एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। पर्दे के पीछे से अभी भी सरकार मनोहर लाल खट्टर ही चला रहे हैं, ये भी उनका दावा है। अब अनिल विज काफी दिन से नाराज हैं, लेकिन इस वक्त जब कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है, ऐसे वक्त में अनिल विज का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये ना सिर्फ डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीन तीन इंजन इस सरकार को चला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर भी इस सरकार को चला रहे हैं। मतलब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो नाराजगी थी उसे कम करने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद तो दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे से अभी भी सरकार पूरी जो सरकार चल रही है उसे खट्टर ही चला रहे हैं। अब क्या कहा है अनिल विज ने जिसके बाद हंगामा मच गया है, चलिए वो बयान भी आपको सीधे सुनाते हैं, सुनिए। देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तीन विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार तीन तीन इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, लोगों ने मन बना रखा है, बड़ी बेताबी से 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का जो रोड मैप है वो केवल मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और बाकी तो ये जो ईडी गठबंधन है ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये वहीं शंटिंग करती रहती है, ये जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये वहीं की वहीं खड़ी है और ये वहीं खड़ी रहेगी। भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के जिसके सरताज हैं वो आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। अब ये देखिए कोर्ट का मामला है और कोर्ट इसमें क्या करता है, ये कोर्ट के। तो आपने सुना पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान। वैसे आपको बता दें कि अनिल विज काफी समय से नाराज चल रहे हैं और अब उनका ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी की पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है।